भैया राउंड अप दे दीजिए, राउंड अप चाहिए आपको? भैया राउंड अप बंद हो गई है, भारत सरकार ने राउंड अप बंद कर दिया है। तो आप पूछेंगे तो फिर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा पैरा कार्ड। तो ये मिलेगा आपको पैरा कार्ड। तो आप पूछेंगे आप इसका क्या क्या काम है, तो क्या राउंड अप जैसा काम करता है? तो जी हाँ, पैरा कार्ड भी राउंड अप जैसा काम करता है और 24 घंटे में आपके सभी खरों को सुखवा देता है। अब कहेंगे वाह तब तो राउंड अप से अच्छा, क्योंकि राउंड अप 4-5 दिन में पौधे को सुखवा खर सुखवाता था और ये आपको 24 घंटे में, तो क्या उससे अच्छा है? तो आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में, जो भी आपके राउंड अप से जुड़े हुए सवाल हैं। राउंड अप अगर बंद हो गया तो हम क्या प्रयोग करेंगे राउंड अप की जगह पर, आइए हम जानते हैं इसी वीडियो। तो फिर आप कहेंगे हमने तो राउंड अप यार डारा था, हमें राउंड अप पर भरोसा था, क्योंकि राउंड अप ही है दवा जो काम करता था। अगर ये पैरा कार्ड नहीं काम करता भैया तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छी कंपनी का पैरा कार्ड डालते हैं तो काम करेगा। जो जानेंगे हम पैरा कार्ड की कितनी मात्रा डालना है, राउंड अप से क्या ये कैसे अलग है, और इसकी कितनी कितनी मात्रा कौन कौन फसलों पर डालेंगे, कौन कौन से खरपतवारों पर ये अपना असर करेगा, तो हम जानते हैं। आइए सब कुछ इस पैरा कार्ड के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र खुशहाल और आप देख रहे हैं खुशहाल एग्री सर्विसेज। दोस्तों राउंड अप के अंदर ग्लाइकोफोसेट 41% SL फॉर्म में होता है, और पैरा कार्ड के अंदर क्या होता है, पैरा कार्ड 24% SL फॉर्म में, दोनों खरपतवार नाशक। लेकिन खास बात इसमें दोनों में क्या, जो राउंड अप है वो जब पौधे पर मतलब खरपतवारों पर पड़ता है तो वो क्या करता है, सभी तरह खरपतवारों को 5 से 10 दिनों में सुखवा देता है। लेकिन जो ये पैरा कार्ड है ये अगर आप डालते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो खरपतवार है वो मतलब उस पर असर दिखने लगता है, और जो खरपतवार वो पीले होकर झुक जाते हैं, और फाइनली लगभग 4-5 दिनों में ये खरपतवार पूरी तरह से बैठ जाता है, और राउंड अप लगभग 10 दिनों में। लेकिन राउंड अप का यूज़ क्यों लोग करते थे, मैं भी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्योंकि राउंड अप लगभग वो क्या करता था, उसको पौधे को एकदम से सुखा देता था। लेकिन इसमें क्या क्या होता है, इसमें सूख तो जाता है पौधा कभी कभी, मतलब सूख इसमें भी जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ पौधे जो है पूरी तरह से नहीं सूख पाते हैं। तो ये फायदे, मतलब जहाँ तक मैंने डलवाया है, रिजल्ट मुझे मिला है, तो मैं ये इसके फायदे हैं, पौधे में नए कल्ले जल्दी निकलने लगते हैं, उसमें अगर डलवा दे तो नए कल्ले ज़्यादा दिन बाद निकलते, क्योंकि जड़ें तो ख़त्म नहीं होती, जड़ें देर में ख़त्म होती है, तो जड़ें उसमें थोड़ा जड़ तक भी वो ख़त्म करिए, थोड़ा इसमें जड़ कम ख़त्म होती है, तो जो नए जड़ से नए कल्ले हैं वो जल्दी निकलने लगते हैं। तो ये इनमें दोनों में अंतर है। मात्रा की बात करते हैं तो उसका भी, उसका एक लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता था, बाकी फसलों के हिसाब से अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकता है, और ये 500 ml से लेकर 1 लीटर अलग अलग मतलब आपके फसल के हिसाब से है। जैसे कुछ फसलों में चार्ट में दिया है, जो ये आपका इसी कंपनी का चार्ट है धानुका एग्रीटेक का, तो इसमें बताए हैं कि कौन से फसलों में कितना प्रयोग करना है। तो इसके अंदर आप कृष्ण नील और आलू में 500 ml प्रति एक जो है, आलू में 500 ml से 800 ml, कपास में 1200 ml प्रति हेक्टेयर, रबड़ की खेती में 1.5 से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, धान में 1.5 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर, गेहूं में 4.5 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर, मक्का में 1 से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, और चाय की खेती में 800 से लेकर 4.5 लीटर तक, अंगूर में 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, और सेब में 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, और जलकुंभी में अगर इसका प्रयोग करना, तो जलकुंभी को भी ये नष्ट करता भैया, तो जलीय खरपतवार जलकुंभी अगर आपको ख़त्म करना, हाइडिला टाइफा साइनिशिया मोलस्टा, तो 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी खरपतवारों के लिए लाजवाब सुपर स्पेशल यह पैरा कार्ड काम करेगा। तो फिर भी अगर कोई सवाल आपके दिल में रह गया हो, कुछ और जानना की इच्छा आपकी खेती से है, तो मैं सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए खुशहाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैला दीजिए सभी तक, क्योंकि आपको एक यही चैनल खुशहाल ही आपको खेती से जुड़ी बेहतर जानकारियाँ देगा। तो दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।